अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे हाँ जी तो आज जो व्लॉग है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ जोहर के बाद से और मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि मैं तकरीबन साढ़े तीन या चार बजे के करीब जो है ना वो अपनी अफ्तारी का काम शुरू करती हूँ समझे चार भी बच जाते हैं लेकिन ये कि अभी टाइम मैनेजमेंट हो गई है मैं जल्दी टाइम से फारिग हो जाती हूँ डेढ़ घंटे तक अप्रॉक्सीमेटली मेरा लग जाता है कि आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का कितना टाइम लगता है किचन में तो आज हम बात करेंगे मुझे बहुत से आप लोगों के इस तरह की रिक्वेस्ट आई हैं कि प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट पे बात करें हमसे रमजान में टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही है पहले रोजे पे आई नो नहीं होती है पहले रोजे पे आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती है किस वक्त सैरी के लिए उठे किस वक्त अफ्तारी के लिए अपना काम स्टार्ट करें बट अब अलहमदल्ला काफ़ी रोजे गुजर चुके हैं तो

कितने तो दिन रह गए सीरियसली मुझे तो लग रहा है जैसे रमज़ान ना इतनी तेज़ी से हमारे हाथ से जा रहा है तो इस टाइम को हम किस तरह यूटिलाइज करेंगे पॉजिटिव वे में तो आज मैं आप लोगों के साथ वो सारी टिप्स शेयर करूंगी कि मैं किस तरह अपने रमज़ान में टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ किस तरह से मैं सारी चीज़ों को अपनी ग्रिप में रखती हूँ सो लेट्स गेट स्टार्टेड मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं शायद इससे पहले भी करती रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ दैट इज मेक अ टू डू लिस्ट वन डे अहेड और अ वीक अड मेरा पूरा दिन का स्केजल मैंने अपनी डायरी पे लिखा होता है पूरा ए टू जी के मुझे कल क्या क्या करना है uh, कौन सा मतलब सिपारे का तो खैर मुझे होता है कि मैं जितना पढ़ सकती हूँ तो मेन जो है ना वो टू डू लिस्ट जब आपकी बन जाती है कि जैसे अगर मैंने फ्रूट चाट बनानी है और उसके अंदर एक चीज़ मेरी मिसिंग है कोई फ्रूट मिसिंग है या मुझे अगर बिरयानी बनानी है तो उसके अंदर कोई एक चीज़ मिसिंग है इंग्रेडिएंट तो फिर मैंने वो किस टाइम जाके ख़रीदना है कितने बजे ये सारी चीज़ें कटिंग करके तैयार होकर रेडी होंगी ये सारी चीज़ों का ना मैं एक कैजुअल बना लेती हूँ एक टू डू लिस्ट बना लेती हूँ नेक्स्ट डे मैं बहुत मुझे पता होता है कि मुझे क्या करना है और मुझे मुझे वो कहते हैं ना आप परेशान नहीं हो रहे होते कि अभी क्या पकाऊं मैं क्या करूं मुझे सारा मैंने मील प्लान भी किया हुआ होता है मैंने टू डू लिस्ट भी बनाई हुई होती है कि मुझे ये सारे काम जिस पे फोकस करना है और तीन इंपॉर्टेंट चीजें तो सबसे टॉप पे होती हैं कि इन तीन काम को तो मैंने मस्ट ही मस्ट करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने रमजान में भी आपने अपनी एक टू डू लिस्ट बनानी है नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट ओवर बर्डनाइज योर मतलब आज कपड़े भी धोने हैं आज मैंने अफतारी भी बनानी है आज मैंने घर की सफाइयां भी करनी है आज मैंने यानी बाहर के काम भी करने के अंदर के भी करने जब आप टू डू लिस्ट बना लेंगे ना तो उसमें कामों को डिवाइड कर दें। जैसे अब मैंने बेड शीट्स धोनी है तो वो मैं ए मंडे को धोंगी मैंने तो धोने हैं तो मैं नेक्स्ट डे धोलूंगी बेटे के कपड़े एक दिन धोंगी बेटी के कपड़े एक दिन धोंगी अपने कपड़े एक दिन दूंगी ये नहीं है कि मैंने सारे कपड़े एक साथ ही आज धो लेने और अपने आप को इतना थका देना है कि अफतारी बनाते बनाते जो है ना एंड में मैं बिल्कुल फेंट होने लगू नहीं हर काम को बैचेस में ना बांट लें कि अब मैंने ये काम करना है आज मैंने इतना काम करना है और आज मैंने इस कमरे की अगर डस्टिंग करनी है अगर आप अपने घर के काम खुद कर रहे हैं तो वेल एन कोट है तो आज मैंने ये कमरे को करना है आज मैंने फलां कमरे को फोकस करना है क्योंकि आगे फिर आ रही है ईद आप इस तरह छोड़ भी नहीं सकते तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये ये जगह जो है वो मेरी रह गई है इन इन जगहों को मैंने फोकस करना है और मैंने अपने आप को ओवरबर्डनाइज नहीं करना कामों के मामले में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सारे काम मैंने खुद नहीं कर लेने आपके बच्चे हैं बांट दें उनमें काम अः uh, मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा टेबल वगैरह सारा सेट करता है और बेटी मेरे साथ पूरी अफतारी में होती है पूरी अफतारी वो सारे वो जो छोटे छोटे काम होते हैं वो सारे के सारे वही करती है क्योंकि रोज़ा हम सब ने रखा है एक ही बंदे का काम नहीं है कि वो सारे काम करेगा तो आप अपने बच्चों में काम डिवाइड करें और पता इतनी खुशी से डिवाइड इट इज अ गुड डीड दैट यू आर हेल्पिंग योर मदर ये अच्छा काम है गुड डीड का अलग उनको रिवॉर्ड मिलेगा अच्छे काम करेंगे तो ये एक माँ की हेल्प करना भी एक अच्छे काम में आता है सच बोलना भी अच्छे काम में आता है तो बच्चों को अपने साथ कामों पर लगाए ताकि आप ओवरबर्डनाइज ना हो आ, सिर्फ फिर बाद में आप उन्हीं पिट को डांट रही होंगी क्या रोजा भी खराब हो गया डांट पिट में बेहतर क्या है उनको अपने साथ कामों पे लगाएं कामों को बैचेस में डिवाइड कर दें ताकि आप के ऊपर इतना बर्डन ना हो वेरी इंपॉर्टेंट फोकस ऑन द होली मंथ रमजान ओनली आपने ये नहीं सोचना कि जी मैंने अभी इसको भी कॉल मिला लेनी है तो उससे भी बात कर लेनी है उसको भी गप्पे कर लेनी है नहीं सिर्फ फोकस ये रखें कि ये एक महीना है मेरी जिंदगी में अगले साल मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया में होंगी कि ये रमज़ान मेरी मेरे लिए होगा या नहीं होगा सो बेहतर क्या है कि मैं इस रमज़ान को खूब दिल लगा के जीऊँ मतलब वो कहते हैं ना कि इसको जिस तरह से प्यार से खूबसूरती के साथ स्पेंड कर सकते हैं ना स्पेंड करें बिलीव मी कलें बहुत दूर की बात है मैं तो इतना सिर्फ मुझे ये होता है कि मैंने मेरी नमाज ना रह जाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरान ना रह जाए मेरी जो गुड डीड्स हैं वो ना रह जाएँ मेरी तलावत ना रह जाए मेरा जो है वो अस्कार ना रह जाए सिर्फ इस चीज़ को फोकस कर और अपने बच्चों को भी उसमें शामिल करें आस्क देम कि कुरान पढ़ लें प्यार से बता दें बाकी ये है कि वो उनकी अल्लाह ताला उनको राह रास्त पे लेकर आए बट ये कि इम्पॉर्टेंट थी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है वो ये है कि फोकस सिर्फ आपका है रमज़ान उसमें सिर्फ खाने पीना नहीं है कि जी हाँ खाना देखिए जरूरी है ऑफ कोर्स मैं खाना बना रही हूँ कहेंगे खाना बट मैंने सुबह से अब खाना नहीं बनाना मैंने अपनी हेल्पर को कहा है वो सारी कटिंग कर देती है मैं वो उतनी तेजी से कटिंग करती है कि मैं नहीं कर सकती तो वो मुझे होता है कि वो उसके पैसे बन जाते मेरी हेल्प हो जाती है वो टाइम मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ अपने डिफरेंट कामों में अपने असकार में अपने कुरान पाक में अपने सिपारों को मैंने डिवा, डिवाइड किया हुआ है कि इतना हर नमाज के बाद मैंने इतना सिपारा पढ़ना है आधा सिपारा पढ़ना है एक सिपारा पढ़ना है ताकि मैं जितना हो सके जितना और मैं मैंने आपको बताया मैंने दौरा स, दौरा कुरान स्टार्ट किया सीरियसली इस दफ़ा मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि मैं जिस तरह कुरान पाक पढ़ रही हूँ और जिस तरह से मुझे लग रहा है अल्लाह ताला मुझसे बात कर रहा है मुझे कभी ये फीलिंग नहीं बिलीव मी दौरा कुरान से मुझे जो फीलिंग आ रही है वो मुझे कभी ही नहीं आई मतलब कुरान पढ़ने से एक आप बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे हैं बट जो दौरा कुरान से एक्सप्लेन हो रहा है आपको समझ आ रही है तर्जुमा आप पढ़ रहे उससे जो फीलिंग आती है वो कुछ तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज उसके लिए मैंने पहले से ही अपना माइंड फोकस किया हुआ था कि मैंने इस दफा दौरा कुरान पढ़ना है और सुनना है एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मैंने इस महीने को सिर्फ फोकस करना है और किसी चीज़ को फोकस नहीं करना नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज डोंट वेस्ट टाइम ऑन सोशल मीडिया और टीवी ठीक है बिलीव मी uh, मैंने uh, मेरे इंस्टाग्राम पे ना लाइक हर घंटे डेढ़ घंटे बाद एक स्टोरी जाती थी अब समाइम्स तो मैं स्टोरी क्या मैं तो जाती नहीं इंस्टाग्राम पे। मुझे लगता है कि मेरा इतना टाइम उधर वेस्ट होता है हाँ कुकिंग की मैं रील uh, uh, डाल देती हूँ दिन में एक बार वो भी रात को जब मैं बिल्कुल सारे कामों से फारग हो जाती हूँ अदरवाइज मेरा फोकस बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं है सोशल मीडिया को साइड पे रखें हैं हाँ अगर आप जैसे रात को फारे हो गए मैंने एक ड्रामा स्टार्ट किया हुआ है आई डोंट द नेम हम टीवी का ड्रामा है और रमजान का ही ड्रामा मजे का ड्रामा है आ, मुझे नाम नहीं आता दाना नीर का तो मैं जो है वो ड्रामा देख लेती हूँ उसकी एक चार तीन चार किस्तें मैंने देखी हैं या तो वो ड्रामा मैं देख लेती हूँ या मैं बाहर वॉक करने चली जाती हूँ कि मैंने जो इतना ये मतलब कभी फ्राइड चीजें बन रही हैं आजकल तो मैं खा रही हूँ तो ये इट्स नॉट गुड फॉर माय हेल्थ तो मैं एक घंटा डेढ़ घंटा वॉक करके आती हूँ अच्छा अपनी यानी द डे आई फील इज वेरी प्रोडक्टिव कंपेरेटिवली जैसे पहले रमजानों में होता था पूरी पूरी रात सब जागरे होते थे और सहरी करने के बाद सोते थे और जोहर के बाद उठते थे नो आई अप लाइक वेरी अर्ली आई स्लीप अर्ली आई ट्राई टू फोकस ओनली ऑन माई दिस मंथ सो सोशल मीडिया को थोड़ा सा बाय बाय कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये बात याद रखिएगा हाँ मुझे मैसेज आते हैं आप रिप्लाई नहीं करती क्योंकि मेरे पास सीरियसली चंदा जितने लोगों को गिले ना मेरे पास टाइम ही नहीं होता और ना मैं सोशल मीडिया पे भी आ रही मुझे सिर्फ ये है कि मुझे ये महीना अवेल करना है अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपनी आखरत के लिए, के लिए अपने पेरेंट्स के लिए अपने फादर के लिए यू you नो know, जब आप फोकस बनाते हैं ना कि योर फादर इज़ वेटिंग फॉर योर दुआज वेटिंग फॉर योर गुड डीड्स तो फिर आपको ना सोशल मीडिया नहीं याद रहता यूज टेक्नोलॉजी इन किचन हाँ जी सोशल मीडिया को परे कर दे और टेक्नोलॉजी को किचन में यूज करना शुरू करे मतलब मशीनें निकाल लें अपनी ताकि टाइम वेस्ट ना करें बहुत ज्यादा काटने पीटने में मतलब मैं तो अपनी हेल्पर से कटवा लेती हूँ आपने अगर ये फोकस करना है ना कि मैंने टाइम नहीं वेस्ट करना तो मशीनें निकाल निकालने फौरन फौरन झटपट सारे काम हो जाते हैं बिलीव मी सब काम मिनटों सेकेंडो में हो जाते हैं जो ये काम आपको पंद्रह बीस मिनट लगेंगे वो मिनटों सेकेंडो में हो जाएंगे तो अपने अप्लाइंसेस निकालें उनको यूज़ करना शुरू करें ताकि एक तो पड़े पड़े भी ना ख़राब हों और आपका जो है ना ये रिग्रेट भी ना हो कि मैंने तो सारा दिन किचन में गुजार दिया और मैंने ना टाइम नहीं दिया अपने बच्चों को टाइम दें उनके साथ बैठे उनसे बातें करें एंड इम्पॉर्टेंट आप काफ़ी बच्चों के तो एग्ज़ाम्स भी चल रहे होंगे तो वो ये है कि ऑफ कोर्स आपको उनको भी टाइम देना है तो मशीनें निकालें वो आपका टाइम बहुत यूटिलाइज करेगा बहुत आपका टाइम बचाएगा आप लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी लास्ट बट नॉट ई लिस्ट इज सेट प्रायोरिटीज मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया कि जब मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही होती हूँ ना तो टू डू लिस्ट में ना तकरीबन कोई एक दर्जन से ऊपर काम होते हैं बट उनमें से भी जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना जो प्रायोरिटीज होती हैं मेरी उनको मैं अलग कर लेती हूँ उनको मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि अपने फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में वो कम्प्लीट कर लूँ काम वो कोई भी काम हो सकते हैं आपने अगर सिपारा पढ़ना है आप वो कर सकते हैं नहीं है आपने अगर आप बच्चे का पेपर है और आप उसको पढ़ा रहे हैं तो वो प्रायोरिटी हो सकती है या कोई कमरे को आपने फोकस किया हुआ है कि आपको है कि जी बाद में फिर मेरे पास जब आखिरी दिन होते हैं रमज़ान के मोस्टली लोगों को काम क्या होता है वो ऑफकोर्स मेरा भी यही है कि जी अपने ईद की तैयारी करनी होती है तो फिर कोशिश करें कि अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि सुबह का होता है ना वो अपनी प्रायोरिटाइज जो काम होते हैं ना उन पर लगा दें और मैंने तो एक काम किया बिलीव मी मैंने तो कहा है कि जब तक से से तो कर इंतजार करूं फिर मैं और टेलर्स के पास तो मैंने अपने लिए ईद का जोड़ा मंगवा लिया है और वो भी ऑनलाइन मंगवाया बहुत खूबसूरत है इनशाला नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपनी ईद की थोड़ी बहुत जो अभी इवनिंग ईद की और एक आध दो चीजें और मैं ले हैं वो शॉपिंग जरूर शेयर करूंगी आप लोग देखिएगा आप लोगों ने अगर मंगवाना था क्योंकि फिर मुझे बहुत गले आते हैं अपने टाइम पे हमें नहीं दिखाया तो मुझे ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैंने ईद पे क्या पहनना है और उसके बाद भी एक शायद एक दो जो, जोड़े में और लूंगी ताकि आगे गर्मी आ रही तो फिर मैं आराम से पहन सकूँ तो वो ईद पे आराम से बंदा पहन लेता है बट द थिंग इज़ के ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दें बड़ी अच्छी सेलें लगी हैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े आए हुए सारी उस पर तो अगर वो सोशल मीडिया पे आपने फजूल रीले नहीं देखनी ना तो आप एक काम करें आप बैठ के अपने बच्चों को बताएं कि जी आपको कौन से कपड़े चाहिए वो आपकी हेल्प कर देंगे कि मुझे ये जोड़ा चाहिए मुझे ये जोड़ा चाहिए साइज़ अगर आपको पता है आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें बाजारों में जाके सीरियसली टाइम लगाने से बहुत बेहतर है कि अभी से ही आप मंगवा लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना पड़े तो ये जो जितने पॉइंट्स मैंने आपकी सब तक कुछ सात पॉइंट्स शेयर किए हैं ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप अगर अपनी ज़िंदगी में इस रमज़ान में इम्प्लीमेंट करेंगे बिलीव मी सेव अलॉट ऑफ टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है रात को जल्दी सो जाए और सुबह कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठ जाए मतलब सैरी के बाद ना आप सोए ना ये दैट वाइम सैरी की ना सैरी से पहले उठे सैरी बना ली और बस इश्शा के बाद कोशिश करें कि आप सो जाए थोड़ी सी वॉक कर लें अंड सो जाए मैं मुझे ना पहले जो मैंने जो टाइम गुजारा है जैसे बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों का वाला टाइम अब मुझे लगता है कितना वेस्टेज ऑफ टाइम होता था सारी सारी रात बच्चे भी उठे हुए होते थे टीविया देख रहे होते थे आप भी उठे हुए अलहमदुल्ला वो छुट्टियों वाला टाइम से हम निकल गए और रमजान माशाल्लाह इतनी अच्छी जा रही है ना प्यास लगती है ना भूख लगती है आ, आ, मुझे नहीं लगती आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के साथ क्या किस तरह के मामलाते हैं और ना पंखे चले हुए ना गर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो रमजान इज गोइंग वेरी वेल इसका जितना टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं तो वो टाइम जो है ना वो यूटिलाइज करते हैं तो अभी मैं थोड़ा सा अपना ब्लॉग के बारे में आपको बताऊं के जी ये वाला मैंने बनाई थी अफतारी एंड अफतारी जो है वो शुरू में कुछ दिनों आपको बड़ा जोश होता है बाद में आपको जोश खत्म हो रहा शुरू हो जाता है मैंने बनाई थी फ्रूट चाट नॉर्मल फ्रूट चाट बनाई थी उसके अंदर मैंने मीन शीरा डाला था आज थोड़ा सा और साथ में सारे नट्स भी डाले थे मुझे अच्छा लगता है खजूर और नट्स के साथ और इसके अलावा मैंने बनाए थे आलू के पकौड़े ये वाले पकौड़े मेरा बेटा शौक से खा लेता है और इसके अलावा उसकी फरमाइश में मैंने बनाई थी बिरयानी और मोस्टली मैं बिरयानी बनाती हूँ बोनलेस चिकन की जो कि मुझे और, क्योंकि मेरे बच्चे खा लेते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके बच्चे किस तरह की खुराक खाते हैं तो मुझे होता मेरी मस्ती कर रहा है और तो करीब ला ला के तो शरबत डाल रहा था टेबल सेट करना मेरे बेटे का काम है तो खैर बेटी बेचारी मेरे साथ सारे किचन में लगी रहती है तो वो ये है कि बिरयानी उसकी फेवरेट मैंने बनाई थी तो वो बड़े शौक से खा रहा था तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी चीज़ ज़ाया ना हो तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं बोनलेस चिकन की बिरयानी बनाती हूँ ताकि वो चिकन भी खाई जाए और चावल भी खाए जाए ना कि डब्बे के अंदर जो है ना वो चिकन के ढेर लगे हुए होते हैं बस मेरे बच्चे नहीं खाते तो और इस जग के बारे में बहुत से क्वेश्चंस आए थे ये जग मैंने लिया था अलफतेह से बहुत अच्छा जग है इतना मजे का जग है और मेरे फ्रिज में बड़े आराम से आ जाता है और बहुत मतलब सुबह मैं बना लेती हूँ जब शरबत तो ये बड़े आराम से अंदर आ जाता है तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए वीडियो एंड फैमिली एंड सी यू इन बहुत ख्याल रखिए दुआ में याद रखिएगा टेक केयर एंड अलाफू